चीन में इन दिनों एक और बीमारी ब्रूसीलोसिस का कहर है। यहाँ के गानसू प्रांत की राजधानी लांचो में 3000 से अधिक मरीज संक्रमित हो चुके हैं। चीनी वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ये बैक्टीरिया लेंझाओ शहर के उस फार्मा लैब से फैला है जहां ब्रूसीलोसिस की वैक्सीन तैयार की जा रही थी। यहां से बैक्टीरिया एरोसोल के रूप में इंसानों तक पहुंचा और संक्रमण फैला। चीन में अलर्ट जारी करके और 11 चुनिंदा अस्पतालों को मरीज का मुफ्त इलाज करने का आदेश दिया गया है। ब्रूसीलोसिस का बैक्टीरिया पशुओं, सुअर, बकरी और कुत्तों को संक्रमित करता है। संक्रमित पशुओं के संपर्क में आने पर इंसान बीमार हो जाता है। इनका मांस खाने या इनका संक्रमित किया हुआ पानी पीने पर इंसान में संक्रमण फैलता है। ये बैक्टीरिया संक्रमित क्षेत्र की हवा में एरोसोल के रूप में भी मौजूद होता है। इस दौरान सांस लेने पर भी इंसान संक्रमित हो सकता है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।